स्टूपिड पीरियड ऑफ माय लाइफ यही है, और मैंने इसमें पढ़ा भी बहुत कम। सुन लो, मैं जो बोलता हूँ ना सुनो, जिसके लिए तुम सब बोलते हो ना कि तुम बहुत नॉलेज है, वो सब मेरा उसी टाइम का है, 24-25 साल। अभी मैंने लेटेस्ट में, सुनो मेरी बात, मैंने लास्ट के 20-25 साल में शायद 30 या 32 किताबें पढ़ी। सुन लो मेरी बात, और अभी पिछले 7 साल में केवल 2 किताबें पढ़ी मैंने। दो? हाँ, जैसे तुम मेरी जिंदगी में घुसे हो तब से मैंने किताबें पढ़ी। 200 किताबें खरीद चुके हो? 40 से। अरे वो मैं यार, उनको पढ़ने में 15 मिनट लगता है मुझे, क्या बात कर रहे हो। जब तक किताबें दिमाग में था। कितनी मोटी वाली बुक कितने दिन में पढ़ लेते हो? ये 10 दिन, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जबकि लगातार नहीं पढ़ूंगा, लगातार पढ़ूँ तो 1 दिन में खत्म। तो हम तो आपके आगे बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल चीटिंग। और पढ़ने का वो नहीं, समझना पड़ता है। सुनो मेरी बात, धीरे मेरी पास है, समझना पड़ता है, ये बांचना नहीं है कुत्तों तरह से बैठ के ये लिखा हुआ, उसको अंडरस्टैंड भी करनी पड़ती है, तब पढ़ाई बढ़ती है। और जितनी गहरी, 5 साल का बच्चा करके दे देंगे पापा जी को। हमें नहीं पता, बस आपके जैसा ही चाहिए बच्चा। तो मैं तो रखूंगी नहीं। आज से ही, आज से ही देखो, तुम मूर्ख दोनों, बात सुनो, बात सुनो। मैं जब मेरा बचपन ठीक है ना, बहुत बड़े परिवारों में बीता, ठीक है, मैं निहार में 8-9 भाई बहन थे, लोग ठीक 8 भाई बहन थे, बड़े वाले मामा के अलग रहते थे, बाकी सब एक साथ रहते थे, मैं पहला बच्चा था वहाँ पर, ठीक है, ननिहाल साइड से, ठीक है, तो मैं रहता था। और वहाँ क्या था, इतनी गाली गलौज वगैरह होती रहती थी दिन भर, मतलब मोहल्ले ही इतना गंदा है, है? और वहाँ चौक झंडा, मतलब काम को भी हमारे मोहल्ले की तरह है। तुम्हारा मोहल्ला चूतियों का मोहल्ला है, उसके आगे मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे मोहल्ले में बंगे रहते हैं, वहाँ इंसान भी रहते हैं, चूतिया भी रहते हैं वहाँ पर, वहाँ इतने हरामी लोग हैं, पता है तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारे यहाँ बोलने तक तमीज नहीं है किसी को, वहाँ एक से सुनो सुनो समझ पड़ी है तो सुनो 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 बात सुनो बात सुनो बात सुनो मेरे एक मेरे मामा ऐसे थे, मतलब कजिन ब्रदर मामा के, ठीक है, अभी भी जिंदा है, बस 10 साल इतनी उसने पढ़ाई करी, पता है, पागल हो गया, डबल ए में था उस जमाने में। और वो आके हम उसको देखते थे, हमने अपनी मम्मी पूछा, मैंने कहा ये किसी बात क्यों नहीं करते, तो बोला तुम ज़्यादा बात करो तो मैं इनसे, तो हमने क्या होगा, बोले डबल ए में कब बोला।